अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट ईयर जूलॉजी कॉलेज, फर्स्ट ईयर जूलॉजी के आदम जी कोचिंग सेंटर के जो नॉन रीजनिंग क्वेश्चंस है उन्हें डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आ जाता है वो है डिफरेंशिएट बिटवीन फ्लाइंग बर्ड्स एंड रनिंग बर्ड्स। ठीक है, तो हमें रनिंग और फ्लाइंग बर्ड्स के दरमियान डिफरेंसेस बताने हैं। वो बर्ड्स जो कि उड़ नहीं सकते और वो बर्ड्स जो कि उड़ सकते हैं। तो रनिंग बर्ड्स जो होते हैं वो साइज में ज्यादातर बड़े होते हैं, उनका वेट हैवी होता है बहुत ज्यादा, और जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं उनकी फ्लाइट अडाप्टेशन की वजह से उनका बर्ड्स का वेट बहुत हल्का होता है, इनकी होलो बोन्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद दे हैव पुअरली डेवलप विंग्स, और इनके विंग्स जो हैं पुअरली डेवलप होते हैं, ठीक से डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि इन्हें जो है उड़ने की जरूरत ही नहीं होती। और इनके विंग्स जो होते हैं, जो कि फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, इनके विंग्स वेल डेवलप होते हैं। ठीक है, स्टर्नम जो होता है ना वो फ्लैट होता है और उसमें कोई कील नहीं होती। मतलब नॉर्मली जो फ्लाइंग बर्ड्स होते हैं, बर्ड्स वगैरह या फिर आपने पिजन वगैरह में देखा होगा कि उनके आगे जो है एक इस तरह से उनका चेस्ट होता है, मतलब तो वो जो है उनको हेल्प करता है हवा को, आगे वाली फ्रिक्शन को या फिर हवा को काटने में। ठीक है, उनको उड़ने में हेल्प देता है, और चूंकि ये उड़ नहीं सकते तो इनका जो है स्टर्नम फ्लैट होता है, कोई कील नहीं होती। इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म नहीं मौजूद होता, मतलब जो फेदर्स होते हैं वो आपस में इंटरलॉक कर लेते हैं। ठीक है, जब फ्लाइंग बर्ड्स में, लेकिन ये रनिंग बर्ड्स में ऐसा नहीं होता। तो इसकी एग्जाम्पल में आ जाती है ऑस्ट्रिच एंड कीवी, और इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है पिजन एंड पैरट। डिस्क्राइब करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास सीलिएट्स। सीलिएट्स की एग्जाम्पल, सीलिएट्स जो होते हैं उनके पास माइक्रो और मैक्रो न्यूक्लियस दोनों मौजूद होते हैं। माइक्रो न्यूक्लियस क्या काम कर रहा होता है, इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल वगैरह मौजूद होता है, ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है, जबकि मैक्रो न्यूक्लियस के सोमेटिक फंक्शंस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज वगैरह परफॉर्म करते हैं। ये चीज मैं आपको पीछे भी बता चुकी हूँ उनकी रिजेम्बलेंस में। ठीक है, दे यूज सीलिया टू मूव देमसेल्व्स, ये यूज करते हैं सीलिया मूवमेंट के लिए या फिर फूड वगैरह को पुल करके अपने बॉडी के अंदर लाने के लिए। रिप्रोडक्शन इसमें एसेक्सुअल होती है, कॉन्जुगेशन होती है दो स्ट्रेन्स के दरमियान में, जिससे जो है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक, दोनों के दरमियान एक ब्रिज बनता है जिसके जरिए जेनेटिक मटेरियल जो है वो आपस में एक्सचेंज करते हैं। इस एग्जाम्पल्स में आ जाता है बैलेंटेरियम, ओपेलिना एंड पैरामिशन। अच्छा, ये मैं बता चलूं कि जितनी भी क्लासेज हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी और चैप्टर में है या किंगडम एनिमेलिया में है, आपने क्या करना है, उन तमाम क्लासेस की एग्जाम्पल्स अच्छे से याद कर लेनी है, और ये याद रखना है कि कौन सी क्लास कौन से फाइलम में है, क्योंकि ये चीज जो है एमसीक्यूज के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एंड क्वेश्चन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अक्सर अकाश तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि वो क्लासेस दे देते हैं, उनकी एक एक एग्जाम्पल बतानी होती है, इस तरह से आ जाते हैं, एग्जाम्पल्स दे देते हैं और उनकी क्लास बतानी होती है। तो बुक में जो दी गई एग्जाम्पल्स और क्लासेस है उन्हें बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, अभी काफी टाइम है तो आप लोग कर सकते हैं, तो फिर एक जगह उनको लिख लें ताकि उसको रिविजन में आसानी हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, ये जो सारे क्वेश्चन हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, पैरासिटिक अडाप्टेशन जो है मैंने मॉडल पेपर में बताई थी, उसके अलावा ये तीनों क्वेश्चन जो है नॉन रीजनिंग के ये मॉडल पेपर में मिल जाएंगे आपको। फंक्शंस ऑफ लिवर और आर्टरी वीज एंड कैपिलरीज भी है उसमें, तो आपने जस्ट आर्टरीज एंड वीन्स के डिफरेंसेस लिखने हैं वहां से। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन लंग फिश, ये जो है नॉन रीजनिंग जूलॉजी के 2019 में आए थे और ये मैंने उसी की वीडियो में बता दिया। इन सब वीडियोज के लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां से देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।